मीना लेमिनेस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जाति का नाम निकालने वालों को ठोक कर निकालेंगे। करवे नगर में सिलेंडर का स्फोट, चार लोग जले। सातारा जिला में गांवटी बॉम्ब का स्फोट, एक गंभीर जख्मी। अब देखते हैं खबर विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने जाति का नाम निकालने वालों को ठोकेंगे ऐसा कहा है। अपने कार्यकर्ताओं को अच्छा खासा दम भरा ऐसा उन्होंने कहा। इतना ही नहीं तो पांच जिला में जात निकाली नहीं जाती ऐसा भी उन्होंने कहा। जातीयवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त आर्थिक सामाजिक समता एकता इनके आधार पर संपूर्ण समाज का संगठन होना चाहिए ऐसा वक्तव्य उन्होंने किया। कल रविवार दिनांक 10 फरवरी 2019 को गडकरी चिंचवड़ में प्राचार्य रामकृष्ण मोरे प्रेक्षा गृह में पारधी समाज के जवान क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समिति के पुनरुत्थान समरसता गुरुकुल की ओर से गायों का बाटअप करने में आया है। यह बाटअप गडकरी इनके हस्ते हुआ। इस समय उन्होंने कहा कि पीड़ितों की सेवा करके जिस दिन उन्हें रोटी कपड़ा मकान मिलेगा उस दिन अपना कार्य पूर्ण होगा ऐसा संदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन्होंने सामाजिक आर्थिक आत्मचिंतन में दिया है। इतना ही नहीं तो किसी को भी छोटी या बड़ी जाति का न कहते हुए एकात्म और अखंड समाज बने जिससे कि समर्थ राष्ट्र बन सके ऐसा गडकरी इन्होंने व्यक्त किया है। पुनः एलपीजी सिलेंडर का स्फोट होने की घटना करवे नगर यहाँ विकास चौक के पास भालेकर सदन यहाँ सोमवार को सुबह हुई। इस घटना में तीन कामगार व एक छोटा लड़का जख्मी है। जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल के जवानों ने उन्हें अस्पताल में भेजा। यह स्फोट इतना बड़ा था कि एक कामगार घर से बाहर फेंका गया। सातारा जिला जावली तालुका में वड़ के मसले गाँव में जंगल बंधारा का काम चल रहा था। अचानक बम स्फोट होने से एक मजदूर गंभीर जख्मी हुआ है। यह घटना सोमवार सुबह को घटी। जख्मी का नाम दादासु श्यामराव चौहान है। उन्हें नजदीक अस्पताल में भर्ती किया गया। ऐसी घटना से परिसर में खलबली मची है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।